हेलो फ्रेंड्स, माय स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी की मुफ्त कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए और आप ज्वाइन करिए हमारे साथ, और हम लोग क्या करेंगे ना, मिलकर हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और हमारी सही रणनीति क्या होती है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया था कि 2018 में हमें सेलेक्ट होना है, तो सेलेक्ट होने के लिए पहली रणनीति हमारी क्या होती है, एक बार आप पूरे वीडियो को देखिएगा, फिर आपको लगेगा कि वाकई ये बेस्ट तरीका है। सच में आपको अंदर से आपकी अंतरात्मा कहेगी कि बिल्कुल सही चीज़ है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, पहले आपको सारी चीज़ें समझा दिया जाता है। तो अगर आप बनना चाहते हैं समीक्षा अधिकारी, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सामने दो पेपर होने हैं, एक पेपर होना है हिंदी का और दूसरा पेपर होना है सामान्य अध्ययन का। जो हिंदी का पेपर होगा ना, इसमें कुल 60 प्रश्न आएंगे। हिंदी से कुल कितने प्रश्न आएंगे? 60 प्रश्न आएंगे। और याद रखिए, यहाँ पर माइनस मार्किंग भी आ चुकी है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो पेपर कहीं कहीं ना कहीं अपने आप में एक टफ रोल प्ले करेगा, क्योंकि अभी तक माइनस मार्किंग नहीं होती थी, तो आप फुल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते थे। चलो, जो भी तुक्का लग गया, कुछ गलती से सही हो जाता था, तो आप कर लेते थे। लेकिन अभी आपको एकदम चुन चुन कर पैर रखना है। और मैं आपको बता देना चाहूँ दोस्तों, कि जो लोग भी नए लोग हैं, उनके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है कि हमारे चैनल स्टडी 91 पर पूरे सब्जेक्ट पहले फुल सिलेबस में कवर किए जाते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर की सीरीज। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सभी चैप्टर आपको स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे चैप्टर पे वीडियो नहीं तैयार हो पाया, लेकिन जितना भी वीडियो बनाया गया है, जो लोग पुराने हैं वो लोग जान रहे हैं कि हमारे पढ़ाने का अंदाज कैसा है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, 10 प्रश्न रहेगा आपके विलोम शब्द से, 10 प्रश्न रहेगा आपके पर्यायवाची शब्द से, 10 प्रश्न रहेगा तत्सम तद्भव से, 10 विशेषण विशेष से, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और 10 वर्तनी एवं वाक्य अशुद्धि के ऊपर। तो इस प्रकार से हर टॉपिक से कुल 10 प्रश्न फिक्स हैं। और इसमें अगर आप 50 से प्लस कम से कम रहो, और अगर आपके मार्क्स जो है 55 के आसपास आते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके मार्क्स क्या हैं, 55 के पास आते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, कि आपको कम से कम जो है 55 लेके आना है। कैसे 55 आएगा? हम तो यार 60 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 55 प्लस तो अपने आप आने वाले हैं, ठीक है। तो 50 प्लस हमें लेके नहीं चलना, हमें कितना लेके चलना है? 55 प्लस लेके चलना है। तो कैसे आएंगे? मैं 50 प्लस क्यों बोल रहा हूँ, कि बहुत सारे लोगों को हिंदी तैयार होगी, लेकिन उस 50 प्लस को हमें कन्वर्ट करना है 55 प्लस में। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, हम लोग सबसे पहले क्या किया जा रहा है, कि हर टॉपिक के ऊपर आपके सामने कुल 100 प्रश्न दिए जाएंगे, कुल 100 प्रश्न। उन 100 प्रश्नों को आप जरूर से एक बार देखिएगा वीडियो, उसका मैं टाइम टू टाइम मैं अपडेट करूंगा आपको, और उसको देखने से क्या होगा ना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। साथ ही सबसे बड़ी बात दोस्तों, जरूरी कि पिछले कम से कम 10 सालों का पेपर हम लोग रिव्यू कर लें एक बार, कि पिछले 10 सालों में पेपर के क्वेश्चन का क्या ट्रेंड रहा है। उस ट्रेंड के आधार पर अगर हम पढ़ाई करें, तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि मुझे लगता है कि हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम किसी एग्जामिनर के या किसी एग्जाम का माइंडसेट नहीं समझ पाएंगे, तब तक रणनीति नहीं बना सकते। तो क्या है आखिर उनकी रणनीति, उसी आधार पर हम भी काम करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा फोकस होगा सामान्य अध्ययन पर, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उस पर, प्राचीन इतिहास पर, ठीक है। प्राचीन इतिहास से मैं आपको बता दूं दोस्तों, दो बार एग्जाम हुआ है, एक बार 2016 में और इसके पहले 2014 में। तो 2016 और 14 में अगर अलग अलग सेशन की मैं बात करूं, तो 7 प्रश्न जो है 2016 के एग्जाम में आए थे, और 2014 में कुल 9 प्रश्न आए हुए थे। किससे? खाली एंशियंट हिस्ट्री से, खाली एंशियंट हिस्ट्री से। तो देख रहे हैं, एक अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा हमें, कितना कितना, 7 और 9, यानी एक लमसम अमाउंट हम पकड़ चले तो लगभग 8 क्वेश्चन प्लस माइनस 1, इतना तो आपके इस बार भी एग्जाम में आने ही आने हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एंशियंट हिस्ट्री को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, ठीक है। मुख्य रणनीति हमारी है दोस्तों, कि सबसे पहले हम लोग कवर किया जाएगा पिछले 10 सालों के पेपर को। मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो बनाकर दूंगा टॉपिक वाइज, कि आज तक एंशियंट हिस्ट्री से कितने प्रश्न आए हैं, मध्यकालीन से कितने आए हैं, आधुनिक से कितने आए हैं। जितने स्लाइड आप देख रहे हो ना, हर टॉपिक पे आज तक समीक्षा अधिकारी में क्या प्रश्न पूछा है, मैं उन प्रश्नों को कलेक्ट कर चुका हूँ, वो प्रश्न आपके सामने तुरंत आएंगे। एक एक दिन पर डे आपको एक एक टॉपिक मिलता जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, गिन के ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों के अंदर पूरा का पूरा आज तक जितना समीक्षा अधिकारी में प्रश्न आया ना, सबका सब तैयार हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग हर चैप्टर से लगभग 500 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। यानी प्राचीन इतिहास से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, उन 500 प्रश्नों को चूज कर रहा हूँ जहाँ से संभावना है आने की। तो ये हमारी सही रणनीति होगी।
कौन सा बुक फॉलो करें कौन सा नहीं बुक फॉलो करें ये कमेंट में आप मत पूछिएगा। मार्केट से कोई भी किताब उठा लो, कोई भी किताब उठा लो, ठीक है, घटना चक्र उठा सकते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स उठा सकते हैं, या अरिहंत वगैरह उठा सकते हैं, या जिसका भी आपको समझ में आए उसका आप ले सकते हो, ठीक है। और जो लोग समीक्षा अधिकारी का पेपर नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है कि वे लोग क्वेश्चन को जरूर से देखें, वे लोग क्वेश्चन को जरूर से देखें, उससे क्या होगा ना उनका माइंडसेट डेवलप होगा कि आखिर में UPSC का लेबल क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लेके चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों 2016 में, अब बार बार नहीं लिखूंगा 16, आप याद रखिएगा, पहले 16 की बात करूंगा बाद में 14 की बात करूंगा, ठीक है, बार बार लिखना में अटपटा लग रहा है। तो 2016 में जो प्रश्नों की संख्या थी वो थे 6 प्रश्न, कितने थे 6 प्रश्न, जबकि 2014 में मात्र 1 प्रश्न आया था, कितने प्रश्न, मात्र 1 प्रश्न, देख रहे हैं। तो मध्यकालीन इतिहास से मात्र 1 प्रश्न आया था, तो ऐसा नहीं कि इस बार नहीं आने का चांस है, होगा, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा आए, ठीक है, ये आप ध्यान लेके चलेंगे, बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन नहीं देना है। इसके बाद आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में दोस्तों थोड़ा सा लाइट ले लूँ, ठीक है, जो आधुनिक इतिहास था, आधुनिक इतिहास में कुल 10 प्रश्न आए थे 2016 में, और 2014 में भी जो हैं वो 10 प्रश्न आए थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है आधुनिक इतिहास। अब आपको ये समझ में आएगा सर कि आधुनिक इतिहास तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। दोस्तों मैंने अपने प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा 7 पार्ट या 5 पार्ट है, 5 पार्ट में पूरा का पूरा आधुनिक इतिहास एक रिव्यू के रूप में आपको कवर करने की कोशिश किया हूँ कि शॉर्ट टर्म में आप कैसे चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई ऑलरेडी। साथ ही साथ दोस्तों गवर्नर जनरल का इतिहास, मतलब आज तक जितने गवर्नर जनरल थे सबके बारे में एक वीडियो बना के मैं डाल चुका हूँ, तो उन गवर्नर जनरल की लिस्ट पढ़ लीजिए, और कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं ये पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए आपको आधुनिक इतिहास कैसे आप कंप्लीट करोगे, पहला आप फोकस कर लीजिए कि प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ गवर्नर जनरल का इतिहास होगा, पूरे के पूरे जितने गवर्नर जनरल थे सबके बारे में देखिए, फिर कांग्रेस के अधिवेशन को देखिए, इसका मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों फेमस पर्सनालिटी होंगे उनका वीडियो देखिए, उससे क्या होगा ना, फेमस पर्सनालिटी में जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, CR दास थे, ठीक है ना, लाला हरदयाल थे, तो लाजपत राय थे, बिपिन चंद्रपाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे लोग, इन सभी लोगों के बारे में मैंने वहाँ पर मुख्य बातें अपलोड किया हूँ, तो उसको देख लीजिए। कुल 40 लोगों के बारे में बातें बताई गई है, हर स्लाइड में 10 लोग हैं, 4 स्लाइड है इसकी, कुल 40 लोगों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आप वो 5 सीरीज पढ़ लीजिए और बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। साथ ही मैं तो हूँ ना, मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ से मेरा टारगेट है कम से कम 1000 क्वेश्चन आपको स्पेशली इसके लिए दूँ, और प्लस पिछले साल में जितने प्रश्न आए हुए वो सब तो कलेक्ट करके मैं दूंगा ही दूंगा आपको, वो पहले दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। अभी हमने देखा 3 टॉपिक, चौथी टॉपिक हमारा दोस्तों विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2016 में जो है 6 प्रश्न आए थे, जबकि 2014 की बात करूँ तो 7 प्रश्न आए थे, तो मतलब एक आने एवरेज कितना 6-7 प्रश्न आते हैं, तो हमको यहाँ भी फोकस करना है। तो ज्योग्राफी के पार्ट में भी मैं इसी तरह से वीडियो आपके सामने दूंगा, बिल्कुल परेशान मत हुई, ऐसा नहीं कि खाली हिस्ट्री को लेकर चलेंगे, हमें हर टॉपिक पे फोकस करना है, ठीक है, तो इसका भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से 2016 में आए थे 13 प्रश्न और 2014 में आए थे आपके 15 प्रश्न, ठीक है। तो आने एवरेज अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की अपेक्षा भारत की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का रोल ज़्यादा है, हमारे समीक्षा अधिकारी में ज़्यादा रोल है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद जनसंख्या का जो टॉपिक है, जनसंख्या एवं नगरीकरण, इस टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे यार। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग पूरा का पूरा समय ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ने में बिता देते हैं, और इसीलिए तो हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी लेके नहीं चलना है। देखिए ना, जनसंख्या और नगरीकरण से कुल 12 प्रश्न आए थे 2016 के एग्जाम में, 12 प्रश्न आए थे, जबकि 2014 में मात्र जो है 5 प्रश्न आए थे। तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल जो है आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, दिख रहा ना ज़्यादा रोल, यहाँ पे देखिए 12, तो एक आने निर्देश पकड़ सकता हूँ कि मुझे लगता है ऐसा कि 10 प्रश्न तो इस बार आने ही आने हैं। और जनसंख्या और नगरीकरण का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और उसको आप प्लेलिस्ट में ढूंढ करके देख लीजिए। तो अभी से अगर आप देखे रहेंगे चीज़ों को तो चीज़ें आसान रहेंगी, ठीक है, चीज़ें आसान रहेंगी। हालांकि स्पेशल पार्ट मैं और भी बना के आपको दूंगा इसका, लेकिन जो मैंने बना के पहले ही अपलोड कर चुका हूँ उन सारी चीज़ों को ढूंढ कर देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं पास होना तो सही स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप दिन रात पढ़ाई करते हो, बहुत मेहनत करते हो, एकदम आपके पास समय ही नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए,
इतनी सी बात करो, हाँ या ना, बस फर्क इतनी बात से पड़ता है। आप क्या करते हो अपने लाइफ में, कितना बिजी हो, कितना ज़्यादा पढ़ते हो, सोते नहीं हो, जागते रहते हो, कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। इसी तरह से बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था से। तो पॉलिटी से 5 क्वेश्चन जो है 2016 में आया था, जबकि 2014 वाले एग्जाम में 8 प्रश्न आए थे, ठीक है। तो आने एवरेज 5-6 क्वेश्चन आ सकता है, और हमने काफ़ी बड़ा पार्ट कवर किया है भारतीय संविधान का, ठीक है। कम से कम हमको लगता है 30 उस वीडियो के आसपास पहुंच गया होगा, और बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया। तो जो लोग नए हैं अब उन लोग वीडियो देखते रहें साथ ही साथ, अभी आपके पास समय है। आई थिंक 8 अप्रैल को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके पास 3 महीने का समय है, आप चाहो तो पूरा वीडियो एक बार देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से नॉलेज की मिलेंगी। नेक्स्ट है दोस्तों अर्थव्यवस्था। अब बात आती है, यहाँ से शुरू होती है। देखो अब आप गलती कहाँ करते हो, गलती हम कमी कहाँ पे करते हैं, आपकी कमी होती है कि जितना आप रुचि दिखा करके इतिहास, भूगोल और संविधान को पढ़ते हो, उतनी रुचि आप अर्थव्यवस्था में नहीं दिखाते हो, यानी इकोनॉमिक्स पढ़ने में नहीं दिखाते हो, अर्थशास्त्र पढ़ने में नहीं दिखाते हो। यही वजह होता है आपके डिसक्वालीफाई होने का। कुल 11 प्रश्न आए थे 2016 के एग्ज़ाम में, और 2014 के एग्ज़ाम में कुल 9 प्रश्न आए थे। क्या बड़ी भूमिका नहीं है? इस बार भी 10 प्रश्न तो आने ही चाहिए, आने चाहिए ना 10 प्रश्न। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होंगे? तो मैं इसका भी सीरीज आपको दूंगा बना के, सब हर चैप्टर का मैं आपको क्या दूंगा, हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको बना के क्वेश्चन दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो चलता रहेगा, ठीक है। फुल सिलेबस जो हम लोग कवर कर रहे हैं पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पर्यावरण पारिस्थितिकी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस समय जितने भी एग्जाम हो रहे हैं पीसीएस लेवल के, उसमें जो है इस तरह के प्रश्न जरूर आ रहे हैं। तो देखिए इन्वायरमेंट से 2016 में कुल 8 प्रश्न आए, जबकि 2014 में कुल 9 प्रश्न आए। तो इस बार भी मान के चलता हूँ, मुझे लग रहा है कि इन्वायरमेंट इस बार ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगा, और कम से कम 10 प्रश्न आने की संभावना है, 10 प्रश्न, ठीक है। तो एक अच्छा है इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी, ये दो अगर पार्ट आप मजबूत करते हो जो आप नहीं कर पाए हो, तो 20 प्रश्न आप गेन कर सकते हो, ठीक है। और पर्यावरण प्रास्तिकी का मैंने दोस्तों 5 पार्ट अपलोड किया है, ठीक है, अपने प्लेलिस्ट में, और वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने खाली और खाली क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको कराया है, तो लगभग मैंने यहाँ, हमको लगता है, उम्मीद है कि कम से कम मैं 400 से 500 क्वेश्चन कराया हूँ यहाँ पे, 400 से 500 क्वेश्चन। तो अगर आप उतने क्वेश्चन को एक बार देख लोगे ना, 100% गारंटी आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, और 10 में से आप 9-10 तो अटेम्प्ट कर ले जाओगे आराम से, ठीक है। तो हमको ये टॉपिक जो है मजबूत करनी है। देखिए इसके पहले का इकोनॉमिक्स जो हम नहीं फोकस कर पाते हैं, वहाँ पे आपको मजबूती दिखानी है पर्यावरण पारिस्थितिकी में, यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। साथ ही साथ और मजबूती कहाँ दिखानी है, आपके जनसंख्या और नगरीकरण में, इस टॉपिक में, ठीक है। ये तीनों टॉपिक आपको मजबूत करके चलना है, क्योंकि यही वो टॉपिक हैं जो आप अच्छे से नहीं कवर कर पाते हो, ठीक है। इसके बाद हम फोकस करेंगे विज्ञान पर, ठीक है। विज्ञान में देखिए 3 पार्ट हैं आपके, 3 का मैं 4 पार्ट लेके चलता हूँ। एक आपका फिजिक्स है, दूसरा आपका केमिस्ट्री है, तीसरा आपका जो है बॉटनी है, और चौथा आपका क्या है, जूलॉजी है, ठीक है। ये 4 टॉपिक है, और ये चारों टॉपिक में दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि कितने कितने प्रश्न किस साल आए थे। तो देखिए जो फिजिक्स था ना, 2016 के एग्जाम में 3 प्रश्न आए थे, केमिस्ट्री से भी 3 आए थे, बॉटनी से 3 आए थे, और जूलॉजी से 7 प्रश्न आए थे। 2016 का डेटा है, 3, 3, 3, 3, 7। तो अगर आप जूलॉजी बॉटनी को एक साथ कर लीजिए तो देखिए 10 प्रश्न यहाँ बनते हैं हमारे, 10 प्रश्न जो है बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे अगर आप बात करोगे कि 2014 के एग्जाम में क्या कंडीशन हुई थी, तो 2014 के एग्जाम में जो फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, और सीधा सीधा बायो में पकड़ लूँ तो फिजिक्स में 2 क्वेश्चन था, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन था, और बायोलॉजी मिला के कुल 4 क्वेश्चन था। बॉटनी सेशन नहीं था, बॉटनी का नया सेशन ऐड किया गया है समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में 2016 से, इसलिए हमारा फोकस जो है बॉटनी पर ही भी होगा, क्योंकि वहाँ से 3 प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको शॉर्ट टर्म में आपको सिखा दूंगा चीज़ों को, आप करिएगा। कंप्यूटर, जनरली लोग कंप्यूटर को नहीं पढ़ते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को नहीं पढ़ते, लेकिन 2016 के एग्जाम में दोस्तों कंप्यूटर से 3 प्रश्न आए थे, और 2014 के एग्जाम में भी 3 से लेकर 5 के आसपास प्रश्न थे, ठीक है। तो आप इसको भी देखना हमको, और इसकी भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट है दोस्तों रीजनिंग, रीजनिंग कई लोग क्या करते हैं ना, जैसे जो पीसीएस की तैयारी करते हैं ना, उनके माइंड में रहता है कि अगर हमारा जीएस तैयार हो जाएगा तो फिर हम पास हो जाएंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। आपको दोस्तों रीजनिंग और मैथ पे भी फोकस करना है, क्योंकि अगर आप रीजनिंग और मैथ पे फोकस नहीं करोगे तो आप कटाप से बाहर हो, आप लड़ाई में हो ही नहीं, यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो रीजनिंग में जो प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं पता है रीजनिंग में,
रीजनिंग में प्रश्नों की संख्या जो है 2016 के एग्जाम में तो 8 प्रश्न थे और 2014 के एग्जाम में भी 8 प्रश्न थे। बताओ 8-8 प्रश्न के एग्जाम मतलब जो आते हैं इनको आप छोड़ दे रहे हो, तो बिल्कुल इसको मत छोड़िएगा। रीजनिंग मैं अच्छे से कवर कर रहा हूँ और रीजनिंग के टॉपिक को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर वहाँ पे मैंने कवर कर चुका हूँ, तो एक बार उनको आप जरूर से देखिएगा। एक बार जरूर से दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, चीज़ों को पढ़िए, पढ़ने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि वाकई चीज़ें सरल हैं या कठिन। मैथ में 2016 के एग्जाम में 7 प्रश्न आए थे जबकि 2014 के एग्जाम में 8 प्रश्न आए थे, तो ऑन एन एवरेज मैं पकड़ के चलूँ तो 15 से 16 क्वेश्चन जो हैं आपके मैथ और रीजनिंग मिला के आ जाते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो 15-16 क्वेश्चन को आप ऐसे ही स्किप कर देते हो हवा में, यार नहीं हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा, करो तो सही, एक बार पढ़ो तो सही, पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा। इसके बाद बात आती है करंट की। करंट में देखिए दो चीज़ें हैं, एक है यूपी स्पेशल और एक है सामान्य करंट अफेयर्स। तो जो यूपी स्पेशल है दोस्तों, अगर यूपी स्पेशल की बात करूँ, एक जो अपना करंट अफेयर्स है सीए, वो तो है ही है। तो देखो अगर यूपी स्पेशल की बात करूँ तो 2016 में 9 प्रश्न यूपी स्पेशल से थे और 9 ही प्रश्न क्या थे करंट से भी थे, 9-9 दोनों से थे, ठीक है, 9-9 प्रश्न दोनों सेशन से थे यूपी स्पेशल से भी। लेकिन 2014 में ना खूब दबा के करंट पूछा था यूपी स्पेशल से, 2014 में 10 प्रश्न पूछा जबकि करंट अफेयर से हमारे 20 प्रश्न पूछा था, तो कुल 30 प्रश्नों की भूमिका हो गई थी 2014 के एग्जाम में, ठीक है, कुल कितने प्रश्न हो गए थे 30 प्रश्न। तो कहीं ना कहीं करंट था, हो सकता है कि इस बार भी अच्छा खासा करंट ऐड करे क्योंकि काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सरकार भी बदली हुई हैं, तो ये मान के चलिए कि करंट अफेयर से कम 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास आने की संभावना है। साथ ही साथ यूवी स्पेशल से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, तो इस बार जो है करंट का अच्छा रोल रहेगा। तो मैं आपको पूरा एक साल का करंट मैं तैयार कर रहा हूँ और एक साल का करंट मैं आपको दूंगा ताकि आप अपनी चीज़ें पढ़ लो। और ये सबसे खतरनाक टॉपिक है दोस्तों मिसलेनियस। यहाँ से लगभग 10 प्रश्न 2016 में आए थे और 9 प्रश्न आए थे 2014 में। ये जानबूझ के एग्जामिनर डालता है कि जो लोग बहुत टैलेंटेड हैं, जो लोग बहुत अपने आप को तेजुखा समझते हैं, उनके लिए प्रश्न डालता है कि आपको क्या ये सारी चीज़ें भी पता है, क्योंकि मिसलेनियस में ऐसा होता है विविध मतलब इसका कोई सब्जेक्ट नहीं, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि चीज़ें कहाँ से आएंगी, चीज़ें कहीं से भी कुछ भी पूछी जा सकती है। तो इसके लिए भी मैंने तैयारी कर लिया हूँ और आप स्टडी 91 के स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में आ सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ पर वो स्टैटिक जीके नाम का एक फोल्डर दिखेगा, उस स्टैटिक जीके में आ जाना, उसका नाम ही ब्रह्मास्त्र, ठीक है, वाकई में ब्रह्मास्त्र है। यहाँ पे आइए और ब्रह्मास्त्र सीरीज को ओपन करिए, इसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, उन वीडियो को देखिए, आपका मिसलेनियस वाला टॉपिक ना चुटकी में सही हो जाएगा। तो ये हमारे पढ़ाने का तरीका होगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग कवर क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम लोग कवर किया जाएगा पिछले 10 सालों में समीक्षा अधिकारी में जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं और अलग अलग सब्जेक्ट से जितने भी प्रश्न आए हैं, सब्जेक्ट वाइज उसको हम लोग कवर करेंगे, सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ईयर वाइज इसलिए नहीं कवर करेंगे कि ईयर वाइज में क्या होता है ना, माइंड कई जगह बटता है, सब्जेक्ट वाइज में क्या होता है ना, एक साथ पूरा माइंड में आपके एंशियंट चलेगा ना, खाली एंशियंट देख लेंगे। तो सब कुछ तैयारी हो चुकी है, डेली आपको वीडियो दिए जाएंगे और उसको देख करके आप चीज़ें तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आप जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। स्टडी 91 चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस आपके सामने अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने लिए जो भी आवश्यक विषय हैं उनको चुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो लोग समीक्षा अधिकारी का फॉर्म नहीं भर रहे हैं वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। एक आवश्यक सूचना दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पर आ सकें। धन्यवाद।